सलमान खान का 2019 धमाका। रोमांस के बाद अब होगा जबरदस्त एक्शन। शूटिंग हुई शुरू। जी हाँ, इन दिनों बॉलीवुड में कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबरदस्त चर्चाएं हैं। इन्हीं फिल्मों में से एक है सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म भारत। हाल ही में सलमान ने माल्टा में भारत के पहले शेड्यूल की शूटिंग पूरी की है, जिसके बाद उन्होंने बहनोई आयुष शर्मा की फिल्म नवरात्रि के प्रमोशन के लिए ब्रेक लिया था। वहीं अब वे आगे की शूटिंग के लिए पहुंच गए हैं। इस बार लोकेशन ऐसी है कि इससे सलमान की पहले की काफ़ी फिल्मों की यादें जुड़ी हुई है। हाल ही में फिल्म के प्रोड्यूसर अतुल अग्निहोत्री ने आबू धाबी एयरपोर्ट पर सलमान का एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि वे भारत की शूटिंग के लिए आबू धाबी पहुंच चुके हैं। बता दें, इससे पहले टाइगर जिंदा है और रेस 3 जैसी फिल्मों की शूटिंग आबू धाबी में हो चुकी है। माना जा रहा है कि माल्टा में कैटरीना के साथ रोमांटिक सीन शूट करने के बाद अब सलमान खान आबू धाबी में एक्शन सीक्वेंस फिल्मा सकते हैं। अली अब्बास जफर के निर्देशन में बन रही ये फिल्म 2019 ईद पर रिलीज होने वाली है। बता दें, आबू धाबी में फिल्म के कुछ धमाकेदार एक्शन सीन्स को शूट किया जाएगा। भूषण कुमार ने कहा, यहाँ फिल्माए सीन्स फिल्म का अहम हिस्सा होंगे, लेकिन फिलहाल मैं इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता। अली अब्बास जफर के निर्देशन में बन रही फिल्म भारत में सलमान खान 5 अलग अलग लुक में नजर आने वाले हैं। फिल्म की शुरुआत में सलमान सर्कस में खतरनाक स्टंट करते नजर आएंगे। वह सबसे खतरनाक मौत का कुआं वाला स्टंट करने वाले हैं, जिसे देखकर फैंस हैरत में रह जाएंगे।